बोलिए छत्रपाल देवता की, बोलिए नगेला देवता की, बोलिए कलवीर देवता की। सबके लिए आशीर्वाद। आप लोग जो है सास सुखी रहे, सपरिवार सुखी रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। हमारा भूमि देवता की निमंत्रण स्वागत माँ हम यमु तिवारी को चौक में बैठे आ जा। इस तरीके से वेशभूषा के साथ हरियाली के बीच इन संकरे संकरे रास्तों से गांव में प्राय होते यहाँ से चल पड़े खोले की तरफ। अब खोले में मैं आप लोगों को ले जाता हूँ। बोलो छत्रपाल देवता की। कार्य में नगेला देवता की जो 9 दिवसीय जात है और साथ में पांडव नृत्य है उसमें सभी सज्जन आमंत्रित हैं। रोड से लगना देखा नगेला जो है हमारे एक कृष्ण रूप का ये सांदर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। नमस्कार, पहाड़ों की हसीन वादियों से मैं पंकज डुंगराल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का पहाड़ी मंच ब्रेकिंग में। और साथियों आप लोगों को बता दूं कि हमारे गांव जो मेरा मूल गांव है आज मैं वहां पहुंचा हूं। खुला सील पट्टी कड़ाकोड़ में पड़ता है, देवराज विधानसभा के अंतर्गत आता है टीरी गढ़वाल में। तो साथियों आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारे अब नया साल प्रारंभ होने वाला है हिंदू नववर्ष के अनुसार, तो इससे पहले पहाड़ों में खूब जगह जगह पांडव नृत्य देखने के लिए मिलते हैं, देवताओं की यात्रा होती है, मतलब मेले आप लोगों को पहाड़ों में देखने के लिए मिलेंगे। तो क्योंकि ये महीने ही कुछ ऐसे बनाए हमारे पूर्वजों की इन महीनों में काम धाम ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए ये चीजें यहाँ पे होती थी। तो इसलिए हमारे गांव खुलासील जो मूल गांव है हमारा यहाँ पे भी पांडव नृत्य का प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैं भी पहुंचा हूँ यहाँ पे, आप लोग देखेंगे तो छत्रपाल देवता हमारे मूल गांव सील में है। तो यहाँ से क्या होता है, पहले जो ये देवता की यात्रा यहाँ पे छत्रपाल देवता को लेके हम लोग सीधा खोले में जाएंगे, तो वहाँ पे नगेला देवता है और वहाँ पे हमारे जैसे आप लोगों को पता है पहाड़ों में भांति भांति के जिलों में अलग अलग देवताओं को पूजा जाता है, तो ऐसे हमारे यहाँ गांव में छत्रपाल देवता, नगेला देवता और कलावीर देवता तीन देवता मुख्यतः है। तो तीनों की थाल वहाँ पे लगती है और उस तरीके से यहाँ पे जो नृत्य होता है उसके बाद देवताओं को देखने के लिए मिलता है, तो उसके साथ पांडव नृत्य भी होगा। तो वही दिखाने के लिए मैं आप लोगों के बीच यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे हमारा गांव ये प्यारा सा छोटा सा गांव, यहाँ पे काफी सर्दियां पड़ती है तो इसलिए इसका नाम सील है। वहाँ आप लोग नीचे बता दूं, वहाँ देखो जहाँ आप गजरा दिखा रहा हूँ वहाँ खोला है, तो काफी पैदल है, पैदल रास्ता ये 1.5-2 किलोमीटर का। उसके बाद यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे और मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हल्का हल्का बताने वाला हूँ। और ये है मेरी बड़ी, मेरी बढ़िया भैंसा दुधे पानी भी जा रही, देखा किसान मेरी बड़ी देखे। तो इन्हीं से ही गाँव की जो आजीविका है चलती आ रही है। तो ये भैंस ये भाई देख मानना हूँ बड़ी क्यों बेखे तेरू इतना कर देने। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आप लोगों को देखने मिलेगी, पूरे यहाँ पे चीड़ के पेड़ कुएं हम लोग जिसको कहते हैं। और यहाँ पे छत्रपाल देवता के जो थाते, तो यहीं से जब यात्रा शुरू होती थी यहीं से हम लोग जाते छत्रपाल देवता के जो पशु जी है उनको ही लेने यहाँ पे आ रहे। तो ये सामने आप लोगों को दिखेगी, देखो यहाँ दूर आप लोगों को यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जूम करिए। तो ये कलावीर का जो हमारा मंदिर है यहाँ पे, वो मंदिर पौराणिक मंदिर वहाँ पे काफी। और ये मेन रोड तो काफी नीचे गांव से रोड है, तो अभी रोड नहीं है हमारे गांव में, वंचित हमारा गांव रोड से। तो देवताओं की कृपा और जन प्रतिनिधियों का संघर्ष होगा तो जरूर यहाँ भी रोड पहुंचेगी। तो अभी हम लोग आए थे रौथिल, तो जहाँ पे घर है जो पशु जी है, तो उनको लेके अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। तो मंदिर में जो भी है थोड़ा बहुत जो पूजा वगैरह होगी वो करेंगे। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं रौथिल प्यारा सा, तो सभी लोग पशु जी के साथ चलते हुए इन ऊंची ऊंची चोटियों में हमारा ये गांव और यहाँ पे पहुँच चुके हैं। देखिए आप लोग ढोल दमों की मधुर धुन हो चाहे फुलकोरों की धात हो, तो सभी गाँव के लोग एकत्रित है आज यहाँ पे जो पांडव नृत्य का शुभारंभ होने जा रहा है। तो यहाँ पे भाई लोग भी है और यहाँ पे ये छत्रपाल देवता का जो यहाँ पे मूल स्थान है हमारे गांव सील में, यहाँ पे पशु जी आप लोग देखेंगे छत्रपाल देवता की, तो यहाँ पे पूजा अर्चना भी चल रही है।
गया कूतु भंडार जय देवता दया घर वाले देवता रिद्धि करी सिद्धि करी हर प्रीति करी भगवान सुख शांति दया देवता। तो साथियों ये हमारा गांव सील यहां पे और ये छत्रपाल देवता की जो मंदिर है जहाँ पे उनकी मूर्ति है और यहाँ पे सभी लोग पहुँचे हैं। तो देखिए हमारे गांव की मातृशक्ति भी यहाँ पे बैठी है और देखने के लिए आई है और इसी के साथ चलेंगे तो आप लोगों से मिलाने वालों में ये दीदी चाची चाची हेलो चाची बूढ़ी हमारी और दीदी प्रणाम करें दादी बुलिया चाची तो चाची 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 दीदी दादी प्रणाम कर हावड़ी में प्रणाम लोग भाई सभी लोग देखा तो सभी लोग देखा दीदी तू बोल यार तन खींच खोबरा तुम लोगो चले तो चाची हमारी तो चाची लोग भी आए है कोई चाची तो सभी लोग दूर ने भी छोटी बहन तो यहाँ पे दीदी सब तो सब मिले लेन मैंने आप लोगों से दादी भी बैठी जम्मू बड़ा बड़ा चाचा जी बाबा जी बड़ा जी हमारे ढोल वादक भाई जी हमारे छोटे भाई सभी लोगों से मिलाने वाला हूँ देखिए और हमारे जो पसो जी है छतवा हमारे चाचा जी बड़ा जी हमारे दादाजी दादाजी प्रणाम तो देखो सुंदर से अब धज रहे हैं इस हमारे इस जो हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता देखिए इस तरीके से वेशभूषा के साथ तो आप लोगों को शानदार दिखने वाला है कुछ समय बाद। और चाचा भी चल बैठे हैं बड़ी बैठी आरुषी बड़ी उधर भी भाई लोग हेलो कर रहा था कि उधर भाई लोग तो बस अब कुछ ही समय बाद अब हम लोग खुले की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं वहाँ पे भव्य आप लोगों को नज़ारा देखने के लिए मिलेगा यहाँ से। बोलो छत्रपाल देवता की। तो यहाँ पे ढोल धमाकों की सुंदर ध्वनि के साथ और भंकोरों की ताल के साथ आप लोग यहाँ से देखेंगे सुंदर सा नजारा और सभी ग्रामवासी यहाँ पे अभी छत्रपाल देवता की जो पशु आते हैं उन पे उनके साथ अभी सभी लोग खुले की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी हमारे गांव के चाची लोग दादी लोग आए थे छोड़ने ये भी यहाँ से देख रहे हैं अभी टॉप यूँ के टॉप इशारा मिल रहा दादी तुम क्या चाची तुम भी खा लिया ले एक तो भी खा चलो तो चलिए तुम तक ही बाय बाय कर दिया तब ठीक हो तब दादी एक देख हम मिलता सीधा भीड़ अब ये छुट्टी देखना तो ये गांव हमारा गांव हमारा सील यहाँ पे अब मैं आप लोगों को खोले की तरफ ले जा रहा हूँ तो हम खोला में मिलते हैं। तो यहाँ देखिए काफी सारे ग्रामवासी यहाँ से आप लोग देखिए आहा सुंदर प्राला भी छुट्टी देखना तो इस हरियाली के बीच इन संकरे संकरे रास्तों से गाँव में प्राय होते हैं यहाँ से चल पड़े खोले की तरफ। अब खोला में मैं आप लोगों को ले जाता हूँ सीधे भागो 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 भागो। तो देखिए साथियों ये लोग पहुँच चुके हैं आगे और कुछ आगे चल रहे हैं तो कुछ पीछे भी है देखिए किस तरीके से चढ़ाई है देख सकते हैं आप लोग तो पूरी महिला शक्ति पीछे से। तो पैदल ये पहाड़ी का रास्ता संकरे संकरे रास्ते पहाड़ों में होते हैं आप लोगों को पता है पहाड़ों से आप लोग बिलोंग करते हो तो साथ अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और फिर आप लोगों को बता दूं कि जैसे हमारी जो एक ग्राम सभा है मतलब कि गाँव में हमारा खोला सील तो सील क्या है एकदम टॉप में बसा है पहाड़ी में और जो खोला है वो बिल्कुल डाउन में नदी के किनारे गदरा मतलब घाट बोल रहे जगह ना वक्सी। तो जो हमारा मूल गांव सील है वहाँ पे छत्रपाल देवता का मूल स्थान है तो जब भी कोई यात्रा या फिर ऐसा प्रोग्राम होता है तो छत्रपाल देवता के जो पशु जी है उनको लेने आना पड़ता है सील गांव में तो इसीलिए इतनी पैदल चढ़ के लोग आए हैं। उसके बाद यहाँ से अब हम लोग नीचे जा रहे हैं खोला में तो खोला में कौन मिलेंगे हमको खोला में मिलेंगे हमको नगेला देवता और कलावीर देवता। तो तीनों देवता जिस तरीके से नगेला छत्रपाल देवता मामा भांजा का रिश्ता है तो ये तीनों देवता मिलके इनकी थात वहाँ पे लगती है तो तीनों देवताओं का जो आशीर्वाद हमें मिलेगा नृत्य आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस तरीके से पशु जी नाचते हैं उसके साथ साथ पांडव नृत्य यहाँ पे ये दोनों इस बार संयुक्त रूप से हो रहा है। तो मेरे इन वीडियो को बनाने का जो मकसद होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये है
कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले के लोग ये जो महीने हैं हमारे जनवरी फरवरी के महीने, क्योंकि अब अप्रैल में हमारा नया साल लग जाएगा, तो इस समय खेतीबाड़ी कम हुआ करती थी। तो अक्सर अपना मनोरंजन करने के लिए पुराने लोग क्या करते थे, इस तरीके से जो पांडव नृत्य है, यात्राएं हैं, मेले हैं, उनका आयोजन करती थी। क्योंकि उस समय तो मोबाइल नहीं हुआ करती थी, टीवी नहीं हुआ करती थी, अब तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल है तो मनोरंजन हो जाता है। तो उस समय ये नहीं होती थी, इन्हीं के लिए ये चीज़ें होती थी, लोग इकट्ठे भी हो जाते थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके नाम पे तो लोग हमेशा एकत्र हो जाते थे। तो ये एक खूबसूरती होती है कि इस तरीके से जो हमारी यात्राएं मेले होते हैं, तो इन आयोजनों में ये लोग भी बढ़ चढ़ कर इस कर लेते तो सारे जुट हो जाते, तो इसीलिए पुराने लोग ये चीज़ें कराते थे। तो मैं साथ में रास्ते में जा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे भाई बंद दूर है, जो आर्मी में है, होटलों में है, कंपनियों में है, बाहर के देश गए, जो क्योंकि 8-9 दिन का ही प्रोग्राम है, नहीं आ पाते, नहीं छुट्टियां होती है प्राइवेट सेक्टर में, आर्मी में, होटलों में, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे, वो लोग भी देखे, आप लोग भी देखे जो बाहर के पहाड़ों से संबंधित है। तो मैं पहाड़ों से संबंधित वीडियो बताता रहता हूं, तो आप लोगों से निवेदन है पूरी यात्रा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग चैनल को लाइक करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एक दूसरे को भेजते रहे, ताकि हमारी ये पहाड़ों की संस्कृति, सभ्यताएँ हैं, रीति रिवाज है, ये चलते रहे, ये ख़त्म न हो, विलुप्त ना हो, क्योंकि इस तरीके से आयोजनों से ही हमारी पहचान बनी रहती है। तो अभी देखिए पैदल मार्ग और काफ़ी पाला भी पड़ा है, तो अब मैं आप लोगों से सीधे खुला में मुलाकात होगी। तो यहाँ पे लोग लगे हैं अभी पैदल रास्ते में चलने पे। तो वैनर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, नौ दिवसीय श्री नगेला देवता की जात और पांडव नृत्य पर्व का शुभारंभ। तो खोला में 4 फरवरी से 12 फरवरी तक यहाँ पे गेट बनाया सज, और यहाँ से सील से सभी जो श्रद्धालुगण हैं वो चित्रपाल देवता के पशु जी के साथ खोला में पहुँच चुके हैं। अब वहाँ से ये प्यारा सा खोला गाँव आप लोगों को यहाँ से दिखेगा, और यहाँ पर भी है कुछ, तो यहाँ से रोड के ठीक नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर मैंने आप लोगों को दिखाया था जहाँ वो हरी चद्दर है, वो मंदिर कलावीर देवता का, तो यहाँ से कलावीर के जो पशु है अब वो यहाँ पे आ रहे, उसके आगे दोनों यहाँ से सीधे यहाँ से जो रास्ता आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ से नगेला देवता की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। राखी भाई जी भी आप, राखी भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई लोगों, नमस्कार। कहाँ से आए आप लोग? लुड़की सहारनपुर से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मेले में। तो काय की दुकान खोलने आ रहे हो? अरे गजब गजब, बढ़िया शानदार। तो भाई लोग भी पहुंच चुके, तो शानदार यहाँ पे दुकानें भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो हमारी मात्र शक्ति के साथ हमारे यहाँ पे छत्रपाल जी के पशु जी, तो सभी एक लो बार हाथ ले जा, सुंदर बोलो, छत्रपाल देवता की, बोलो नगेला देवता की, बोलो कलावीर देवता की, बोलो पंच पांडवों की। तो आप सभी लोगों का खोला सील गांव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम सभी लोग यहाँ पे मेला समिति की तरफ से। तो आप लोग भी आइए, तो यहाँ पे जो यहाँ पे भव्य आप लोगों को पांडव नृत्य देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग यहाँ से देवताओं का आशीर्वाद लेके जरूर जाइए। यहाँ पे देख सकते आप लोग छत्रपाल देवता और कलावीर देवता, जिसकी पूजा अर्चना सभी ग्रामवासी करते हैं, तो दोनों देवता एक साथ आएंगे यहाँ से। तो यहाँ से जहाँ एक तरफ पूरी पंक्तिबद्ध है पूरे ग्रामवासी, और उनके बीच सबसे आगे आप लोग देखेंगे तो नगेला देवता के पशु, फिर बीच में है कलावीर देवता के पशु, फिर छत्रपाल देवता के पशु, और पीछे पीछे और आगे आगे पूरे ग्रामवासी चढ़ते हैं, फूल मालाएं उन पे अभी बरसाई जा रही है यहाँ से।
देख सकते हैं जो हमारे तीनों देवता हैं, छत्रपाल देवता, नगेला देवता और कलावीर देवता, तो तीनों देवता एक साथ यहाँ पे संयुक्त रूप से आप लोगों यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अभी परिक्रमा का प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे नगेला देवता का मंदिर आप लोगों को दिखाई देगा जो शानदार सजा है और शानदार यहाँ पे आप लोगों नृत्य आप कुछ क्षणों में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे नगेला देवता का मंदिर यहाँ पे खोला सील में और हमारे साथ है राजेंद्र सिंह और चाचा जी हमारे। चाचा जी थोड़ा लोगों को आमंत्रण दीजिए। देव भक्तों को से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे इस देव कार्य में अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हों और इस देव कार्य का में अपना देवताओं का और आशीर्वाद लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ राजेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व प्रधान यहाँ के और यहाँ पे मंदिर परिसर में आप देखो। चाची प्रणाम। चाची प्रणाम। और हमारे साथ हमारे चाची है, आप लोग देखेंगे पीली ड्रेस में कितने शानदार नजर आ रहे हैं। तो नगेले देवता जिन पे आते हैं और सभी लोगों पे आशीर्वाद बना रहे हमारे चाची कलेवीर जी के पास और छत्रपाल जी के पास हमारे पंडित जी लोग। यहाँ से आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए एक बार, थोड़ा सा सभी लोगों का आशीर्वाद दीजिए वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो और हमारे साथ भैजी भी हमारे लुधियाना से आए, हमारी तरफ से सबको प्रणाम और सभी लोग और सबको बधाई और सभी लोगों से निवेदन है कि यहाँ मेले में पहुँचने की कृपा करें। अच्छा जी भी है मेरे, ठीक है, सबको धन्यवाद। यहाँ से मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है। तो एक तरफ तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, दूसरी तरफ देखिए हमारे जो स्थानीय लोग है तो यहाँ पे अभी रोड बन रहे भैजी लगे छा, हमारा रोड बन रहा शानदार रोड छ नहीं लगना है देखा। तो देवता नौ पर भैज कथा बनी पाँच में होनी। तो यहाँ पे रोड और हलवा भी छो बनी क्या अच्छा लगे ना हलवा, तो हलवा चल गई। तो यहाँ से काफी पानी च रखी हूँ और भैजी भैज लोग लगे छन चाय बना चाहिए चाय रखी जी शानदार गर्मा गर्म चाय। तो यहाँ से सभी चीज में आप लोगों को दिखा रहे हैं भाई जी लोग, भाई जी सभी लोग। तो हमारे माओ जी बना मौज वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को यहाँ पे बुलाइए। बहुत बहुत बढ़िया है, चल ही रहा है आप लोगों की कृपा से आप आगे और नौ दिन तक यहाँ रहना है आपने। नहीं नहीं मैं नहीं, सभी लोगों से आप बोलिए कि यहाँ पे आइए, क्या चल रहा है यहाँ पे बताइए लोगों को। नगेला जो है हमारे एक कृष्ण रूप का है और उसी के माध्यम पे यहाँ पे पांडव लीला होती है और यहाँ पे हमारी पांडव लीला चलेगी और नौ दिन तक
बहुत ही अच्छा। और आप लोगों का जो भी सुन रहा है इस वीडियो को, यहाँ आने का कष्ट करें, यहाँ पे सभी भाई लोग और भाई लोगों सभी एक बार तो हेलो, हाँ और भाई लोग भी हैं, भाई लोग तुम भी हेलो कर दिया कि बैठ जाए हमारा, आप लोग भी। तो अभी क्योंकि ब्रेक चल रहा है अभी थोड़ा, तो चाय चुई की तैयारी चल रही है, तो यहाँ पे अब दूसरी तरफ मैं आ गया हूँ, यहाँ पे मातृशक्ति हमारी, सभी लोग प्रणाम, हाथ हिला जाए एक बार सभी बोलो, बोलिए पंच पंडों की, बोलिए जनता जनार्दन की, बोलिए मातृशक्ति की। तो शानदार सभी लोग हमारे गाँव निवासी, आप लोग यहाँ से देखेंगे शानदार दिख रहे हैं, और एक एक करके मैं आप लोगों को गाँव के एक एक लम्हे दिखा रहा हूँ। हमारे ढोल डमा वादक शानदार, ये भी सजे है, और हमारे मेला समिति अध्यक्ष श्री बीरबल सिंह डुंगरियाल जी, हमारे मौसा जी, धन्यवाद। क्या चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा वीडियो के माध्यम से बताइए। मैं सभी भक्तगणों से ये अनुरोध करूंगा कि 4 तारीख फरवरी से आज हमारे श्री नगेला देवता और पांडव लीला की शुरुआत हो गई है, और इस जात की जात हमारे 9 दिवसीय जात का आयोजन हम यहाँ पे कर रहे हैं, और हमारी ये जो जात है इसका शुभ समापन जो है 12 तारीख को अपराह्न 3 बजे के लगभग हो जाएगा। और मैं सब क्षेत्र से जितने भी जो भक्तगण और पांडव नृत्य को देखने वाले जितने भी भक्त हैं सभी यहाँ पर आने का बहुत बहुत कष्ट करें, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे जो मेला समिति के अध्यक्ष मेरे मौसा जी, और अभी देखिए आप लोगों यहाँ पे नोट भी दिखाई दे रहे, 1000 रुपए तो मेवा लिखाई जा रही है पूरे गांव की तरफ से, जिस तरीके से एक प्रचलन चलाया है कि कुछ रुपए का योगदान हमारे गांव निवासी करते हैं, उसके साथ आटा चावल दिया जाता है, और यहाँ पे चार्ज भी हमारे यहाँ तक भी ये इस वीडियो के माध्यम से आप तक संदेश जा रहा है। सभी भाइयों से, सभी माता बहनों से अनुरोध है कि इस देव यात्रा में शामिल होकर दर्शन करें, देव दर्शन करें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और इसी साथ साथियों, जो आप लोगों को यहाँ पे म्यूजिक दिखाई दे रहा है शानदार, ये बज रहा है JBL के, तो हमारे दीप म्यूजिक भाई जी हमारे सिन्नर से, और बहुत ही शानदार ये दिखाई देते हैं हर जगह। तो भाई जी आपका स्वागत है यहाँ पे बहुत बहुत, तो कुछ बस अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा व्यू है गांव का, और काफी मतलब शक्ति प्रतीत होती है देवता के अंदर। बिल्कुल भाई, तो भाई यहाँ पे दीप साउंड आप लोगों यहाँ से डीजे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब कहाँ, अब क्या रहेगा दिखाने के लिए, अच्छा अब यहाँ पे इस तरफ मैं जाता हूँ, तो हमारे साथ यहाँ पे भाई पानी है कि बैल पे सबसे पहले मैच खेले थे, तभी मैंने तुम्हारा वीडियो मंगाना एक, ये बहुत धन्यवाद। तो हमारे दल्ली भाई की तरफ से बहुत ही शानदार तोहफा है। तो साथ में आप लोग देखेंगे यहाँ पे कढ़ाई तैयार है जलेबी की, यहाँ पे आप लोग देखिए शानदार, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। और पकोड़े भी आप लोग देखेंगे तो गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे, तो पकोड़े की कढ़ाई भी तैयार है, तो सभी श्रद्धालु गणों के लिए ये भी है, और यहाँ से ले जाइए। तो हमारे साथ है हमारे भाई और दली भाई, तो आप लोग भी हाथ हिला जाओ थोड़ा, तो यहाँ पे आइए और शानदार लुप्त उठाइए यहाँ का, मेरी जलेबी रहेगी। कुछ बहने इस तरह भी बैठी है, हाथ ले जाओ तुम भी जरा, तो तुम कभी न तुम है नहीं, मैं मिली हूँ फ्री। वीडियोग्राफी में जिनका योगदान है आप लोग देखेंगे, हमारे कैलाश बुला बहुत ही शानदार एडिटिंग करते, देखिए अभी लगातार वीडियो बना रहे, और हमारे हरी भाई, तो हरी भाई आप लोग अयंस फोटोग्राफी, इनको बोलिए कुछ अपनी खुद ही बोलिए। देखिए यहाँ पे नगेला देवता पांडव लीला की जात चल रही है, और हरी भाई पे हनुमान जाते हैं हमारे शानदार, आप वो देखेंगे इनका कैलाश बुला। अब ये हाथ ले एक बार बिल्कुल, तो वीडियो मस्त हो रही है, देखिए बहुत ही एक तो मैं तेरे पूरा मंदिर में आप लोगों को दिखा चुका हूँ, और साथ में जो भी स्थानीय लोग हैं और सभी के जो मुख से बातें हैं और सारी चीजें मैंने यहाँ से आप लोगों को दिखा दी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग यहाँ जाए तो आपको खाली पेट घर भेजा जाएगा, तो देखिए खाने की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे मंदिर समिति की ओर से रखा गया है, तो सारी महिलाओं के साथ अभी सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से भरपेट खाना यहाँ पे मिल रहा है, और इसके साथ ही जो बांटने वाले हैं जिस तरीके से रीति रिवाज चले आ रहे हैं पहाड़ों में, और सुंदर से लगते हैं एक साथ सामूहिक रूप से जब इस तरीके से खाना चलता है, तो कुछ बांटने वाले, कुछ पानी देने वाले, कुछ खिलाने वाले, कुछ खाने वाले, तो आप लोग यहाँ से ये नज़ारा शानदार देख सकते हैं। डुंगरियाल जो
यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो सिक्के जो मतलब ये धागुले आप लोगों को ये पशु जी के हाथों में देखने के लिए मिलते हैं, तो इनको इनके सफाई के लिए ये बड़ियारगढ़ यहाँ से जाते हैं, तो ये अभी वही उतर रहे, तो कल सुबह ये बड़ियारगढ़ पहुँचेंगे, तो वही अभी बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब तुम चले तुमसे अगले मैं पहुंच जाऊंगा और जो समझ में गिनो जेते पवन की जय रस सबर जो जो अटकल होल वेरा सबर अगले मैं खड़ो देलो ठीक है ताई जाना जा राजा अपनी बैंड दे तू जो जेते पवन की जितना हक जो जो मेर भर दो उतने हक मेर हुए थे बीच दिन यूं और जो समझ में गिनो समापन लगभग हो चुका है, तो अंत में जिस तरीके से पिंगली प्रसाद माटा जाता है तो वही अभी दर्शक गणों को और भक्त गणों को मिल रहा है यहाँ पे। धन्यवाद प्रसाद थोड़ा हो प्रसाद थोड़ा
प्रसाद शौकीन होते पता ना बस भाई साहब कथा लील में तो सख्त ड्यूटी यहाँ भी चल रही है देख सकते हैं आप लोग। अभी शाम की रोटी की तैयारी भाई लोग लगे एक बार हाथ ले जाता कि बड़े देखो साथ में प्रसाद जन खाना बली चाय भी जन लग गया। और ये देखिए बंदे बिल्कुल अंगारों साथ बड़े तवे के साथ रोटी क्या गोल गोल रोटी हरमानी इन द लेडीज जगमाली शानदार रोटी मेरा दीदी मैं तो इन ज्यादा शौकीन छोपर साथ। तो साथियों इस तरीके से मैंने आप लोगों को आज का पहला दिन यहाँ पे ये नगला देवता की जो जात हो रही है हमारे गांव खोला में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मंदिर यहाँ पे मेरे सामने ठीक यहाँ पे मंदिर है नगला देवता का। और आप लोगों को बता दूँ इसी के साथ में पांडव नृत्य है। तो आज पहला दिन था तो पहला दिन तो इतना खास होता नहीं है क्योंकि अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं उस तरीके से देवता अपना रूप दिखाते हैं। और साथ ही मतलब कहने मतलब यही है ना कि ईश्वर तो सिर्फ एक है उसके ये बहुत सारे रूप है जिनकी हम जगह जगह अलग नामों से पूजा पाठ करते हैं तो इस तरीके से उनके नाम की यात्राएँ होती है। तो मैं आप लोगों से बस इस वीडियो के माध्यम से निवेदन यही करने आया हूँ आग्रह करने आया हूँ कि आप जितने भी मेरे दर्शक हो जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं अगर आप लोग आ सकते हो तो कीर्तनगर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर ये हरा भरा क्या आप लोगों हरी भरी सार के बीच एक खुला गांव दिख रहा है यहाँ पे यात्रा चल रही है तो आप लोग जरूर यहाँ आइए और इन देवताओं का आशीर्वाद ले जाइए। इन पांडवों का नृत्य देखिए टॉप में वो देखिए आप टॉप में अगर दिख रहा है तो वो गांव सील है तो वहीं से हम लोग सुबह आए थे क्षेत्रपाल देवता की जो यात्रा आई थी वहीं से हम लोग नीचे आए थे और यहाँ पे तो अभी वो टॉप में अभी रोड नहीं है मतलब सड़क का अभाव है जल्द वहाँ सड़क भी पहुँच जाएगी ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। और ईश्वर के से मैं ये भी कामना करूँगा कि जितने भी आप लोग मेरे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों पे उसकी कृपा दृष्टि बने रहे आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो। तो इसी के साथ जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ तब तक टाटा बाय बाय जय हिंद जय पहाड़।